तो इसमें लिमिट्स हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की। लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स का मतलब है जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है इसकी वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। हालांकि हमें CpCv की कुछ फिक्स वैल्यूज हम यूज करते हैं, पर असल में जीरो और इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे पॉइंट नंबर वन, वो कह रहे मान लो एक गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया, नो हीट इज सप्लाइड टू टू दी गैस, हीट हमने दी नहीं, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी? जीरो। जब हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे हो आप, तो डेल्टा क्यू तो वैसे ही जीरो है। टेम्परेचर में चेंज तो आएगा ही आएगा, है ना, आपने दबा दिया उसे, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। डेल्टा क्यू आपने हीट दी नहीं, जीरो, तो स्पेसिफिक हीट जीरो। वो केस बता रहा है कि कब जीरो हो सकती है, जब डेल्टा क्यू जीरो होगा। दूसरा केस है, इफ अ गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपैंड सच दैट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द गैस इटसेल्फ। मतलब आपने गैस को हीट दी जिससे कि गैस का टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा टी, पर जब गैस एक्सपैंड हुई, एक्सपेंशन से गैस का टेम्परेचर डाउन हो गया बाय सेम अमाउंट डेल्टा टी। आपने हीट दी, डेल्टा टी बढ़ाया, एक्सपेंशन ने उसको ठंडा कर दिया डेल्टा टी, तो नेट चेंज इन टेम्परेचर कितना? जीरो। हीट ने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सपेंशन ने उतना ही टेम्परेचर कम कर दिया, तो डेल्टा टी नेट क्या? जीरो। तो जब डेल्टा टी नेट जीरो, तो स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? इन्फिनिटी। ठीक, बता रहा है कि इन्फिनिटी कब हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपने हीट दी और टेम्परेचर बढ़ गया, फिर एक्सपेंशन हुई, टेम्परेचर उतने अमाउंट से कम ना हो पाया, बढ़ ज्यादा गया, कम कम हुआ, डिक्रीज कम हुआ, तो नेट चेंज तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, तो स्पेसिफिक हीट ऐसे केस में पॉजिटिव होगी, राइट। और आपने हीट दी, आपकी हीट ने टेम्परेचर बढ़ा बढ़ाया, पर एक्सपेंशन ने टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही घेर दिया, तो नेट अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर अब पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा? नेगेटिव। ठंडी होगी गैस, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी? नेगेटिव। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो कह रहा है जीरो से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक।